दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया पाक के मैच में चार चांद लगाएगी क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच से रातों पहले रातों रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी भरी न्यूयॉर्क के लिए उड़ान। तो आखिर इन दोनों के अलावा कौन कौन से सेलिब्रिटी हमें आएंगे इंडिया पाक के मैच में नजर? क्या उन्हें किया गया स्पेशल तौर पर इन्वाइट? कहां स्पॉट हुए ये दिग्गज? सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और रोहित में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का रोमांच आए दिन देखने को मिल रहा है। अब तो भारतीय टीम ने भी अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ जीत कर आगाज किया है। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला जबरदस्त अंदाज में दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं हार्दिक पांड्या के साथ साथ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिली और टीम इंडिया ने न्यूयॉर्क के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क के ही मैदान पर खेला जाना है। यह मुकाबला देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें इन दोनों टीमों पर टिकी हुई हैं। टीम इंडिया न्यूयॉर्क के मैदान पर इस मुकाबले के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, खूब पसीना बहा रही है। वहीं एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर तो हर किसी के होश उड़ गए। जी हां, आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के मैच के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर चुके हैं। इन्हें स्पेशल तौर पर मैच देखने के लिए इन्वाइट किया गया। इतना ही नहीं, इन्हीं के साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने भी उड़ान भरी है। ये तीनों दिग्गज अमेरिका पहुंच चुके हैं और भारत को मैच में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। देश में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी तुरंत भारत पाकिस्तान मैच को देखने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये दोनों टीमें बहुत कम आपस में मैच खेलती हैं। इसीलिए हर किसी की निगाहें दोनों टीमों पर टिकी हुई हैं। अब तो मुकाबला देखने के लिए क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग भारत को सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं। टीम इंडिया का वैसे भी हौसला पूरी तरह से बुलंद है। आयरलैंड को पहले ही मैच में 8 विकेट से धोया था। नरेंद्र मोदी जी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, वो सफेद कुर्ते में नजर आए थे। वहीं सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को भी एयरपोर्ट पर ही देखा गया था। दोनों लोग सूटकेस लेकर दिखाई दिए थे और प्रोफेशनल ड्रेस में नजर आ रहे थे। इसके बाद तो हर कोई यही अनुमान लगाने लगा कि न्यूयॉर्क जा रहे भारतीय टीम का सपोर्ट के लिए, और कहीं ना कहीं ये खबर सच भी है। वैसे ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, भारत और पाकिस्तान मैच को शुरू होने में केवल कुछ ही घंटे का और वक्त है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ा रोहित शर्मा का बल्ला, पहले ठोका तूफानी शतक और फिर अंतिम दो गेंदों पर 2 छक्के जड़कर टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर जब 2 अंतिम गेंदों पर इंडिया को चाहिए थे 12 रन, कैसे रोहित ने लिखा अपने बल्ले से नया इतिहास? कैसे अपने बल्ले से पाकिस्तान के गेंदबाजों की उड़ाई धजिया? कैसे नामुमकिन जीत को रोहित ने पाकिस्तान के जबड़े से छीना? कैसे रोहित की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा पूरा पाकिस्तान? कैसे अंतिम ओवर में रोहित के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादगार जीत? दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा इस बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया। भारत और पाकिस्तान की टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर आमने सामने हुई। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसा कर जाएगा उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए मोहम्मद रिजवान ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात ये थी कि रोहित के तुरुप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। भले ही पाकिस्तान ने 6 ओवर में 62 रन बनाए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। एक समय तो ऐसा लगा था कि वो 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी शादाब खान। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम
टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर अक्षर पटेल और शदीप सिंह सभी जमकर पिटाई करते हुए शादाब खान ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने पाकिस्तान की पारी को 20 ओवरों में 222 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में काफी आगे लग रही थी टीम इंडिया, अचानक से पिछड़ जा चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए, उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों को इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं के इरादों को सच करने के लिए, रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और आयरलैंड के बाद वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने अपना सारा गुस्सा पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हेटमैन ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गर्जा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है पाकिस्तान की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाहीन अफरीदी का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी तो फिर अगली ही गेंद पर किंग कोहली को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। यशस्वी 29 रन बनाकर पवेलियन चले गए, वहीं विराट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी, पाकिस्तान मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां रोहित ने नसीम शाह की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की श्यामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया था, वो भी मोहम्मद आमिर की गेंद पर उनके सर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था। क्योंकि वर्ल्ड कप और आईपीएल की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही पाकिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे, लेकिन वहीं रिंकू सिंह अपना विकेट मोहम्मद आमिर को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल की घड़ी में नजर आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवर में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। पाकिस्तान की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज नसीम शाह और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद थे सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद आमिर ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी शाहीन अफरीदी के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली ही गेंद पर सूर्या उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर सूर्या बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए और ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन।